हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। उसमें लिखा हुआ वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -5 और बी जो पॉइंट गिवन है -4, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष, अंडरलाइन करें बच्चों, एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब होता है बच्चों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक रेखाखंड बनाते हैं जिसका पहला जो नाम है ए और इनका पॉइंट है बी। ए पॉइंट जो गिवन है 1, -5 और बी का पॉइंट गिवन है -4, -5। यहाँ बच्चों बोला हुआ है एक्स अक्ष, इसीलिए एक्स को लिखे वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष बोलेगा तो जो रेशियो हमेशा लेते हैं बच्चों के रेशियो 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, के रेशियो 1। और हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है गिवेन है तो y से हम लोग क्या निकालेंगे, k निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला होता है बच्चों y कोऑर्डिनेट का निकालने का, पास वाले को दूर से, पास वाले को दूर से y रहेगा तो y से करेंगे, y रहेगा तो y से। तो हो जाएगा k इंटू 5, क्या हो जाएगा बच्चों k इंटू 5 प्लस दूर वाले को पास से, लेकिन ध्यान रखें y है तो y से करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ पे -5, तो 1 इंटू -5। फिर m1 + m2 होता है, m1 इसको m1 माने हैं, इसको m2, तो k+1। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, तो y कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो इक्वल में 5k -5k+1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बच्चों, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करें तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो 5k -5 इक्वल में 0 × k+1, तो जीरो हो जाएगा। तो 5k -5 इक्वल में जीरो, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5k = 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, तो 5/5 इक्वल में 1। तो k का बच्चों जो रिजल्ट आया 1 आया। अब बच्चों k का मान 1 आया तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1। अब हमको फाइंड करना है x, तो फिर से x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x का फॉर्मूला होता है पास वाले को दूर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 1 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है -4, तो लिखेंगे 1 × -4 + दूर वाले को पास से, दूर में क्या है बच्चों 1 और पास में क्या है 1, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा -4 + 1/2, तो -3/2 आएगा रिजल्ट। x का कोऑर्डिनेट है बच्चों -3/2। बच्चों अगर इस पॉइंट को c रखते हैं तो जो c का पॉइंट हो जाएगा, अगर c का पॉइंट लिखेंगे तो c का पॉइंट क्या है x, 0, और x का रिजल्ट कितना है, x का जो रिजल्ट है बच्चों -3/2 × 0। तो क्वेश्चन नंबर 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -3/2 × 0। ध्यान रखें जब भी x अक्ष बोलेगा तो y को 0 करेंगे, और y अक्ष बोलेगा तो x को 0 करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6th को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6th में बच्चों गिवन है यदि बिंदु 1, 2, दूसरा जो पॉइंट है 4, y, तीसरा जो पॉइंट है x, 6 और चौथा जो पॉइंट है 3, 5, यदि क्रम में लिखने पर, क्रम का मतलब होता है लगातार, लगातार लिखने पर कौन सा आकार बन रहा है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान निकालें। पहले एक रफली क्या बनाएंगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज का इसको बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं बच्चों शीर्ष। तो पहला जो शीर्ष है इसको ए मानते हैं, जो पॉइंट गिवन है 1, 2, तो लिखेंगे 1, 2। बी का जो पॉइंट है बच्चों 4, y, और जो सी का जो पॉइंट है x, 6, और जो डी जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या है 3, 5। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्पेशल केस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले विकर्ण को मिलाएंगे, और जहाँ पे दोनों विकर्ण आपस में कट करता है बच्चों, उसके ऊपर वाला जो पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होता है बराबर होता है, उसी तरीके से ये वाला पार्ट क्या होता है विकर्ण बराबर होता है। ध्यान रखें जहाँ पे दोनों
डायगोनल या विकर्ण आपस में कट करता है, इसके ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होता है बराबर होता है, इसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या होता है बराबर होता है। तब हम लोग इस वाले बीडी डायगोनल में स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट में एम वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम टू हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस का पहले लिख देंगे कौन सा विकर्ण को अप्लाई करें बच्चों, बी डी, तो लिखेंगे बी डी विकर्ण, लिख देंगे यहाँ एम वन इक्वल में क्या है एम टू, इस कोऑर्डिनेट को लिख देते बच्चों एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पे एम वन और एम टू क्या बच्चों, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो इस वाले पॉइंट से कितना पार्ट है एक पार्ट है, इधर वाला पार्ट कितना एक पार्ट, तो हो जाएगा एक। और यहाँ पर लगाएंगे स्पेशल केस, तो एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, इस वाले पॉइंट को एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, इसको एक्स वन और वाई वन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स टू और वाई टू। एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका एक्स एक्स कितना है थ्री, और इसका एक्स टू कितना है फोर, तो लिख देंगे थ्री प्लस फोर डिवाइड बाई टू, तो सेवन अपॉन टू। फिर से रिपीट कर देते क्या किए बच्चों, बी डी विकर्ण में एक्स का कोऑर्डिनेट लिखे प्लस थ्री और प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, उसी तरीके से जब y निकालेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, वाई में क्या होगा सेकेंड और इसका भी सेकेंड, तो यहाँ से y निकालते हैं, y इक्वल में वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। ध्यान रखें बच्चों, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब m1 इक्वल में m2 होता है। y1 क्या है बच्चों 5, तो लिखेंगे 5, और y2 कितना है, y2 बच्चों y है, तो यहाँ पर लिखेंगे y डिवाइडेड बाई टू। इस समीकरण को नाम रखते दो, इस समीकरण को नेम कर देते फर्स्ट। अब हम लोग कौन सा विकर्ण को यूज करेंगे बच्चों, एसी विकर्ण को यूज करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे एसी विकर्ण। एसी विकर्ण में फिर से अप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि ये स्पेशल केस अप्लाई होगा, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर का जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट क्या बराबर है, तो इसका इसको फिर से मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, और इसको मान लेते हैं एक्स टू वाई टू। तो एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा सेम, एक्स का जो फॉर्मूला बच्चों एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाई टू। एक्स वन क्या बच्चों, एक्स वन है यहाँ पे एक्स है, और एक्स टू क्या है वन है, तो लिखेंगे एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इसका नाम रखेंगे तीन। उसी तरीके से y निकालेंगे, तो y का जो फॉर्मूला हो जाएगा y का y1 वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। वाई वन देख लो बच्चों कितना है, y1 का जो रिजल्ट है सिक्स है, और y2 कितना है दो है, तो सिक्स और दो लिखेंगे, सिक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे एट बाई टू, क्वेश्चन नंबर फोर। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉइंट है वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इधर वाले से एक्स निकला और इधर वाले से भी क्या निकला है एक्स निकला, तो दोनों क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पॉइंट बच्चों ओ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और तीन, समीकरण एक और तीन, मतलब इस समीकरण और इस समीकरण बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक्स है, और तो जब लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड क्या होगा बराबर होगा, और राइट साइड में क्या बच्चों सेवन अपॉन टू है, और इधर क्या है एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू है, तो लिखेंगे इस बात को, लिखेंगे समीकरण एक और तीन, क्या लिखेंगे समीकरण एक और तीन। समीकरण एक का जो आर एच एस पार्ट है बच्चों, उस पॉइंट का नाम है सेवन अपॉन टू, और थ्री वाले का आर एच एस का पॉइंट है एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब क्या करेंगे बच्चों, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो यहाँ पे आएगा सेवन अपॉन टू मल्टीप्लाई टू इक्वल में एक्स प्लस वन, क्योंकि बच्चों डिवाइड में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो दो दो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसके बाद माइनस करेंगे प्लस है तो माइनस, तो सेवन माइनस वन इक्वल में एक्स, तो सिक्स एक्स का मान क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। अब हम लोग उसी तरीके से
दो और चार को बराबर करेंगे। बच्चों समीकरण दो और समीकरण चार का LHS पार्ट क्या है, बराबर है, क्योंकि इधर भी Y है और इधर भी क्या है, हवाई है। जब LHS पार्ट बराबर होगा तो RHS पार्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण दो और चार से, लेकिन समीकरण शॉर्ट में बच्चों लिखा है समीकरण दो और चार, LHS पार्ट बराबर है तो RHS पार्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण दो का जो RHS पार्ट है बच्चों, उसका नाम है 5 + y / 2, और जो 4 का नाम है 8/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे नीचे कट जाएगा, क्योंकि जो दो पॉइंट इधर आएगा इधर से क्या कट जाएगा। अब यहाँ पे 5 + y = में क्या जाएगा 8, और प्लस है तो क्या जाएगा माइनस 8 - 5 = 3। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया बच्चों, एक्स का जो रिजल्ट आ गया 6, एक्स का जो रिजल्ट आ गया 6, और वाई का जो रिजल्ट आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हुआ x = 6 और y = 3। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का क्या है व्यास है, और जिसका केंद्र, केंद्र का मतलब होता है सेंटर, सेंटर का पॉइंट बच्चों यहाँ पर गिवन है 2, -3, तथा बी का जो पॉइंट गिवन है 1, 4। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, और एक हम लोग क्या बनाएंगे व्यास, यहाँ पे लिखा है ना व्यास, तो व्यास हम लोग बनाएंगे। व्यास क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है और लॉन्गेस्ट साइड होता है। इस पॉइंट का नाम रखते हैं बच्चों ए, इसका नाम बी रख देते हैं। तो जो बी का पॉइंट है 1, 4, और यहाँ पे दे रखा केंद्र, केंद्र का मतलब होता है बीच, बीच का यहाँ पे क्या है 2 और -3 गिवन है, और ए का क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना, निर्देशांक का मतलब होता है बच्चों एक्स और वाई, तो यहाँ पर हमको निकालना है एक्स और वाई। और यहाँ पे स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, तो दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे m1 = m2, और जब m1 और m2 बराबर होता है तो पहले वाले को हम लोग x1 y1 मानते हैं, और दूसरे वाले को क्या मानते हैं बच्चों x2 और y2। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या होता है बच्चों, x का जो रिजल्ट होता है x1 + x2/2, जहाँ पे x क्या होता है बीच का, तो बीच में कौन सा पॉइंट है बच्चों 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। x1 होता है स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का क्या है x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और x2 क्या होता है इंड का, तो इंड का मतलब क्या पॉइंट है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आएगा x1 + 1 = 2, 2 + 4, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 = 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, वाई, फिर से वाई में स्पेशल केस अप्लाई करेंगे, तो वाई का जो फॉर्मूला हो जाएगा y1 + y2/2। वाई होता है बीच का, यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो बीच का, तो बीच में कौन सा पॉइंट है बच्चों -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। वाई वन होता है फर्स्ट का, तो फर्स्ट में क्या है वाई, तो लिखेंगे वाई, और वाई टू होता है इंड का, तो इंड में कौन सा पॉइंट है बच्चों 4, तो लिखेंगे 4/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आएगा y + 4 = 2 - 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y + 4 = 2, 3 - 6, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -6 - 4 = -10 हो जाएगा। बच्चों a का जो निर्देशांक हो जाएगा, a का निर्देशांक पहले x को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों एक y का, तो x में क्या है 3, y में क्या है -10। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, -10। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, बिंदु ए का जो पॉइंट है -2 और 2, और बी जो पॉइंट है 2 और 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों, मंडल लाइन करें बच्चों 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। एक रेखाखंड गिवन है जिसका पॉइंट गिवन है, उसको 4 भागों में बांट रही है, तो उसका हम लोग पॉइंट फाइंड करना है। तो एक रेखाखंड बनाएंगे,
रेखाखंड का स्टार्टिंग का जो पॉइंट है बच्चों, माइनस टू और टू, और इंड का जो पॉइंट है टू और एट, इसको चार बराबर भागों में बांटती है। तो पहला भाग, फिर दूसरा भाग, और यहाँ पर तीसरा भाग, एक चौथा भाग। देखो बच्चों, पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग और हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग। अभी जो तीनों पॉइंट है निकल रहा है, इसी को क्या करना है, फाइंड करना है। इस पॉइंट का नाम रख लेते सी, इसका नाम डी और इसका नाम डी। तो हम लोग पहले डी को निकालेंगे, क्योंकि डी में स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हैं कि जो डी पॉइंट है बच्चों बीच में है, क्योंकि डी के जो लेफ्ट में जो पार्ट है एक पार्ट और दो पार्ट, डी के जो राइट में जो पार्ट है एक पार्ट और एक दो पार्ट। तो हम लोग डी वाले पॉइंट को निकालने में स्पेशल केस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल केस का कंडीशन होता है कि M1 और M2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो डी के लेफ्ट में कितना पार्ट है, एक एक दो, लेफ्ट में भी दो पार्ट है और राइट में भी कितना पार्ट है, दो पार्ट है। तो डी को निकालने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्पेशल केस। तो ए का जो पॉइंट है बच्चों माइनस टू और टू, और जो बी का पॉइंट है टू और एट। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, डी। तो डी में हम लोग अप्लाई करेंगे स्पेशल केस। तो स्पेशल केस क्योंकि एम वन यहाँ पर बच्चों दो है और M2 भी क्या है, दो है। कैसे M1 दो आ गया और M2 दो आ गया, क्योंकि जो निकालना है उसके लेफ्ट वाले पार्ट में एक और एक दो, दो पार्ट हुआ, और राइट साइड क्या, एक और एक दो, दो पार्ट है। और M1 M2 अगर बराबर होता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक सिक्वल में एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू होता है। एक्स वन होता है फर्स्ट का पॉइंट, और एक्स टू वाई टू क्या होता है, लास्ट का पॉइंट होता है, एंड का पॉइंट जिसको बोल सकते हैं। एक्स वन क्या है बच्चों, यहाँ पे माइनस टू लिखेंगे, यहाँ पे माइनस टू, और एक्स टू कितना है, टू डिवाइड बाई टू। तो माइनस टू में से टू जाएगा तो क्या जाएगा, जीरो। तो जीरो अपॉन टू इक्वल में जीरो। तो डी का पॉइंट जो एक्स का जो रिजल्ट आ गया जीरो, उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, वाई निकालेंगे। तो वाई का जो फॉर्मूला होगा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। वाई वन का पॉइंट क्या है बच्चों, टू, तो यहाँ लिखेंगे टू, और वाई टू का पॉइंट कितना, एट, तो लिखेंगे एट। दो में अगर आठ जोड़ेंगे तो दस, दस को अगर दो से डिवाइड करेंगे तो फाइव आ गया। तो जो डी का पॉइंट निकल गया बच्चों जीरो कोमा फाइव, क्या लिख सकते हो, जीरो कोमा फाइव। उसी तरीके से हम लोग अब क्या निकालेंगे, सी और ई निकालेंगे। पहले हम लोग सी निकालेंगे, फिर हम लोग ई निकालेंगे। सी निकालते समय बच्चों ध्यान रखें, जब हम डी निकाल लिए, डी के अगर पॉइंट निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसको भूल जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल, क्योंकि जो डी का पॉइंट पता है और सी का पॉइंट निकालने के लिए, सी के लेफ्ट में कितना पार्ट है, एक पार्ट है, और राइट में कितना पार्ट है, तो हम लोग इसमें भी क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल केस। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, बाकी को भूल जाएंगे, ए और डी पॉइंट लिखेंगे। अब बीच में क्या है, सी है, क्योंकि सी के एल एच एस वाले पार्ट में कितना पार्ट है, एक पार्ट है, और इधर कितना पार्ट है, एक पार्ट है। तो स्पेशल केस इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए डी पॉइंट का, यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे ए, और यहाँ पे लिखेंगे डी। ए का पॉइंट गिवन बच्चों माइनस टू और टू, जो डी का पॉइंट हमने जस्ट फाइंड किया है जीरो और फाइव, जीरो और फाइव। यहाँ बीच में क्या है, सी, जो हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल केस, क्यों, क्योंकि इधर वाला पार्ट क्या एक है, इधर वाला भी पार्ट क्या एक है। तो एम वन क्या हो जाएगा, वन, और एम टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा। फिर से इसमें अप्लाई करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस में पहला वाला जो पॉइंट होता है एक्स वन वाई वन होता है, जो लास्ट का पॉइंट होता है एक्स टू और वाई टू होता है। एक्स वन का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों एक्स वन एक्स टू डिवाइड बाई टू। एक्स वन क्या है बच्चों, माइनस टू, तो लिखेंगे माइनस टू, और एक्स टू कितना है, जीरो डिवाइडेड बाई टू। तो हो जाएगा माइनस टू अपॉन टू, कैंसिल होगा जाएगा माइनस वन। उसी तरीके से हम लोग वाई निकालेंगे, तो वाई का जो फॉर्मूला होता है वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। वाई वन क्या बच्चों, टू, यहाँ लिखेंगे टू, और वाई टू कितना, फाइव, टू डिवाइड फाइव में डिवाइड करेंगे तो सेवन अपॉन टू हो जाएगा। तो सी का पॉइंट निकल गया क्या बच्चों, सी का जो हम लोग पॉइंट निकाल लिए, सी का पहले एक्स को लिखते हैं, तो एक्स क्या माइनस वन, और वाई कितना, सेवन बाई टू। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों ई निकालेंगे। बच्चों ई पॉइंट निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे डी और बी, क्यों, क्योंकि डी और बी में ई जो पॉइंट है बीच में है, क्योंकि डी के लेफ्ट साइड में
पार्ट कितना, एक पार्ट है, और ई के राइट साइड में कितना पार्ट है, एक पार्ट है। तो हम लोग डी और बी पॉइंट को यूज करेंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे, ई, क्योंकि जो डी और बी के बीच में क्या पॉइंट लाई कर रहा है, ई लाई कर रहा है। तो हम लोग बनाएंगे अब डी और बी। इसमें बच्चों हम लोग अप्लाई करेंगे स्पेशल केस, क्योंकि ई के जो लेफ्ट साइड में पार्ट कितना है, एक पार्ट है, और इधर वाले पार्ट में क्या है, एक पार्ट है। फिर से अप्लाई करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस में पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन होता है और जो लास्ट वाला पॉइंट होता है एक्स टू वाई टू, अब बीच वाला तो एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम वन इक्वल में एम टू इक्वल में वन, और एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू। एक्स वन क्या है, यहाँ पे एक्स वन है जीरो, तो लिखेंगे जीरो, और एक्स टू कितना है, दो। जीरो में दो को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, दो, दो अपन दो एक आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, वाई, तो वाई का फॉर्मूला होता है वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। वाई वन का पॉइंट कितना, फाइव, वाई टू का पॉइंट कितना, एट, तो लिखेंगे एट डिवाइड बाई टू। तो पाँच में आठ तेरह, तेरह अपॉन दो। तो यहाँ से पॉइंट ई का जो पॉइंट निकल के आ गया बच्चों, ई का जो पॉइंट निकल गया, पहले एक्स को लिखते हैं, एक्स में कितना वन और वाई में कितना है, थर्टीन अपॉन टू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। थैंक यू।